मशहूर सूफी सिंगर राहत फतेह अली खान पर विदेशी करेंसी की स्मगलिंग का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक राहत को करीब 2.42 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से मिले थे। इनमें से 1.6 करोड़ की स्मगलिंग उन्होंने भारत में की। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया यानी ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया है और इस पर जांच भी जारी है। ईडी ने राहत फतेह अली खान से तकरीबन 2.61 करोड़ रुपए को लेकर जवाब मांगा है। अब अगर ईडी सिंगर के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें भारत में स्मगलिंग की गई रकम पर 300% जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर राहत जुर्माना नहीं देते तो उन्हें लुकआउट नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ वे भारत में कहीं भी अपना प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि राहत के साथ इस तरह का मामला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी वो साल 2011 में पैसों के चक्कर में फंसे थे। उस वक्त वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर करीब 89 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। उनके पास इन रुपयों से जुड़ी कोई कागजात या दस्तावेज भी नहीं थे। इस पर सिंगर के साथ मौजूद उनके मैनेजर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।